أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I am Dr. Mateen Department of Physics Islamic College Peshawar my dear students this is the same chapter number 5 and lecture number 14 hai and we are going to study the real and apparent weights real and apparent या apparent weights, ठीक है. याद रखिए real weight का मतलब है the gravitational pull of the earth on a body. The gravitational pull of the earth on a body क्या मतलब है, यानी जितने force से जमीन किसी body को attract करती है तो that is called its a real weight. जितने फोर्सेस ज़मीन किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर दिए, सिर्फ ज़मीन ना, एनी प्लेनेट, आप जुपिटर पर है, मार्स पर है, यूरेनस पर है, ठीक है, किसी प्लेनेट के ऊपर आप खड़े हैं, तो जितने फोर्स से वो प्लेनेट किसी बॉडी को नीचे अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड द रियल वेट ऑफ द बॉडी. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स रियल वेट. रियल वेट का दूसरा नाम है ट्रू वेट ऑफ अ बॉडी, या इसे कहते हैं एक्चुअल वेट. ट्रू वेट या एक्चुअल वेट या रियल वेट ऑफ अ बॉडी. और याद रखिए रियल वेट हमेशा एम जी होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. देखिए रियल वेट के नेवर बी ज़ीरो जब तक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो, तो याद रखिए उसका वेट ज़ीरो पॉसिबल नहीं है. रियल वेट ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. अच्छा नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एपरेंट या अपेरेंट वेट. तो याद रखिए अपेरेंट वेट का मतलब है द फोर्स विच प्रिवेंट्स अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग. देखिए द फोर्स विच प्रिवेंट्स अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, जितना फोर्स किसी बॉडी को नीचे गिरने से रोकता है दैट इज कॉल्ड इट्स अपेरेंट वेट. अपेरेंट वेट का मतलब है जाहिरी, फॉर द टाइम बीइंग वक्ती. अपेरेंट लफ्ज का मतलब है वक्ती, जाहिरी, जाहिरी वेट, वक्ती, फॉर द टाइम बीइंग. तो देखिए अपेरेंट वेट का मतलब है द फोर्स विच प्रिवेंट्स, प्रिवेंट का मतलब है विच स्टॉप्स अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, जितना फोर्स किसी बॉडी को नीचे गिरने से रोकता है that is called its apparent या apparent weight. For example, look at, if this is a body, गौर से देखिए ये body है, आप मुझे ये बताएं इस body पर मैंने कितना force apply किया है नीचे गिरने से रोकने से, ठीक है, कितना force apply किया है, weight के बराबर. ए weight, इसका जो weight है, जो real weight है, real weight का मतलब है यानी जितने फोर्स से ज़मीन इस बॉडी को नीचे अट्रैक्ट कर रही है. फॉर एग्जांपल इसका रियल वेट अगर 20 न्यूटन है, ज़मीन अगर इसे 20 न्यूटन से नीचे अट्रैक्ट कर रही है तो इसका ये रियल वेट है. मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है, 20 न्यूटन. तो आप लोग देखिए रियल वेट और अपेरेंट वेट बराबर है, इसका रियल वेट और अपेरेंट वेट आपस में, क्योंकि मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है वेट के बराबर. तो इस केस में रियल वेट और अपेरेंट वेट आपस में बराबर है. अच्छा अब जरा गौर से देखें, ए फॉर एग्जांपल इस बॉडी को अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहा हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहा हूँ, अब आप मुझे ये बताएं मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है वेट के बराबर, वेट के बराबर, क्योंकि रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सेम मतलब है, बिकॉज दोनों केसेस में द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज सेटिस्फाइड. आपने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा है ना, कि अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ए अब ये बॉडी स्टेटिक इक्विलिब्रियम में है और ये बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं. ए अगर ये बॉडी मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहा हूँ तो रियल वेट और अपेरेंट वेट आपस में बराबर है. अच्छा फिर देखो अगर ये बॉडी मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे ले आ रहा हूँ तो रियल वेट और अपेरेंट वेट बराबर है.
क्लियर? अब जरा गौर से देखिए, ए फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ पर्टिकुलर सपोर्ट, दिस इज अ हुक, हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है? बी एक्टिव, प्लीज बी एक्टिव, लिसन टू मी, बी विद मी, लुक इट, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इज इट? अगर इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ कोई वेट अटैच नहीं है, कोई मेस अटैच नहीं है, तो नीडल कहां पर होगी? जीरो पर. दिस इज लॉजिकल, अंडरस्टैंडेबल है, लॉजिकल है. ए अगर आप ऐसा करें कि इस हुक के साथ, इधर जो हुक है इसके साथ आप किसी मेस को अटैच करें, तो आप मुझे ये बताएं ये नीडल नीचे आ जाएगी या ऊपर? ये नीचे आ जाती है, नीडल नीचे आ जाती है. अगर मैंने बॉडी अटैच की तो नीडल नीचे आ जाती है. अगर नीडल इधर आ जाती है और इसके स्केल के ऊपर हमें 20 न्यूटन वेट शो कर रहा है. नाउ लुक इट, गौर से देखो. ए अगर ये सिस्टम बिल्कुल रेस्ट में है, मसलन ये स्प्रिंग में सिस्टम मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है, तो नीडल कहाँ पर है? 20 पर. कहाँ पे है? 20 पर. व्हाट इज द रियल वेट ऑफ द बॉडी? 20 न्यूटन. व्हाट इज द अपेरेंट वेट? 20 न्यूटन. ए इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है टी, तो याद रखिए दिस इज ऑल्सो 20 न्यूटन. देखें ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि इसका जो रियल वेट है और जो टेंशन है, दे बैलेंस ईच अदर, एंड देयर फॉर वी से द रियल वेट एंड द अपेरेंट वेट आपस में बराबर है. क्लियर? रियल वेट और अपेरेंट वेट आपस में. अच्छा अब जरा गौर से देखें, ए अगर इस स्प्रिंग में सिस्टम को मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहा हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो आप मुझे ये बताएं नीडल कहाँ पर होगी? 20 पर. क्यों? क्योंकि द नेट फोर्स इज अगेन जीरो. टी और डब्ल्यू बराबर है. टी का मतलब है टेंशन, टी का मतलब है अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर है, बिकॉज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो. फर्स्ट लॉ इज सेटिस्फाइड विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो रियल वेट और अपेरेंट वेट आपस में. अच्छा अगर मैं इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे ले आ रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताएं वेयर विल बी द नीडल? 20 पर. द नेट फोर्स विल बी जीरो. द फर्स्ट लॉ विल बी सेटिस्फाइड. रियल वेट और अपेरेंट वेट आपस में बराबर. लेकिन जरा गौर से देखो, ए लुक इट, लुक इट, ये स्प्रिंग में सिस्टम बिल्कुल रेस्ट में है, मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है, तो नीडल कहाँ होगी? 20 पर. रियल वेट और अपेरेंट वेट. ए अगर मैं इसे इस तरह ऊपर एक्सेलरेट कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं इसे एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेट का मतलब है मैं इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा हूँ. तो ड्यू टू एनर्शिया व्हाट हैपन्स? ए एनर्शिया की वजह से अगर मैं इस पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, तो याद रखिए एनर्शिया की वजह से, एनर्शिया लीनियर एनर्शिया, द मेस ऑफ दिस बॉडी विल अपोज दिस नेट फोर्स, और इस पर जो फोर्स है उस अपोजिंग, देखिए इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो अपोजिंग फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा? नीचे. एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स. याद रख, याद है सूडो फोर्स या फॉल्स फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स या अनरियल फोर्स. ए जब मैं इसे ऊपर की तरह एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो याद रखिए नेट फोर्स ऊपर है. एंड दिस सिस्टम इज बिकमिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम. तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में हमने बार बार पढ़ा था, एक्सेलरेटेड फ्रेम में अ सूडो फोर्स इज एक्टिंग, और सूडो फोर्स का मतलब है कि मेस ऑफ दिस बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन. ए तो इस केस में वो सूडो फोर्स इस बॉडी के रियल वेट के साथ क्या हो जाएगा? एड. तो नीडल किधर आ जाएगी? नीचे. फॉर एग्जाम्पल ये 30 पर, लेट अस सपोज ये 30 या 25 न्यूटन पे आ जाती है, तो आप लोग देखें अपेरेंट वेट रियल वेट से क्या है? ज्यादा. अपेरेंट वेट रियल वेट के से ज्यादा है. ए
जब आप स्प्रिंट में सिस्टम को ऊपर की तरह एक्सेलरेट कर रहे हैं तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड। सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड। सूडो फोर्स कहां से आता है? कहां से आता है? इनर्शिया से आता है। सूडो फोर्स कहां से आता है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब आप किसी बॉडी को सर्कल में इस तरह रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है, जो इनर्शिया से आता है। अच्छा, तो अपेरेंट वेट विल बी ग्रेटर देन द रियल वेट। अगर आप इस किसी बॉडी को ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो याद रखिए अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा होगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अगर इस सिस्टम को आप नीचे की तरह अगर आप इसे नीचे की तरह एक्सेलरेट कर रहे हैं तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नीचे, सूडो फोर्स अपवर्ड, तो वो सूडो फोर्स इस रियल वेट के साथ ऐड हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? शाबाश, वेरी गुड, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो नीडल 20 से ऊपर आ जाती है, फॉर एग्जांपल 15 पर आ जाती है, तो अब अपेरेंट वेट रियल वेट से कम है। मसलन यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसके लिए नीडल 15 पर है, तो 15 का मतलब है कि ही विल से दैट द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन द रियल वेट। और लास्ट आप मुझे ये बताएं, अगर मैंने स्प्रिंग में सिस्टम को इस तरह पकड़ा हुआ है, नीडल कहाँ होगी? 20 पर। तो रियल वेट और अपेरेंट वेट बराबर है। अब देखिए जरा, अगर इस स्प्रिंग में सिस्टम को मैं रिलीज कर दूं, इसे मैं छोड़ दूं, तो टेंशन खत्म हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। जब टेंशन जीरो हो जाते तो आप मुझे ये बताएं, नीडल आपको कहां पे नजर आएगी? जीरो पे। कहां पे? जीरो पे। क्यों? क्योंकि नो फोर्स इज प्रेवेंट इन द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। नो फोर्स, टेंशन मींस अपेरेंट वेट, नो फोर्स इज प्रिवेंट एंड स्टॉप इन द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। तो इसका मतलब है बॉडी का अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी वजह से तमाम फ्रीली फॉलिंग बॉडी का अपेरेंट वेट जीरो होगा। इस बॉडी का अपेरेंट वेट जीरो है, इज इट? इस बॉडी का अपेरेंट वेट, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का अपेरेंट वेट जीरो होगा। रियल वेट क्या होगा? mg। देखिए, इसका रियल वेट है, इसी वजह से तो बॉडी नीचे आ रही है। रियल वेट की वजह से बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड, विच इज mg, लेकिन द अपेरेंट वेट इज जीरो, बिकॉज नो फोर्स इज प्रिवेंट इन द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि नंबर वन, अब ये इलिवेटर कंसिडर कर रहे हैं। मसलन दिस इज एन इलिवेटर, इलिवेटर का मतलब है लेफ्ट। ठीक है, तो पहले नंबर वन, केस नंबर वन, बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज वहां पर कंसिडर करते हैं। केस नंबर वन ये है कि व्हेन द इलिवेटर या लेफ्ट इज ईदर एट रेस्ट या मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपवर्ड या डाउनवर्ड। आपको पता है इलिवेटर अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे आ रहे, तो इन तीनों केसेस में द फर्स्ट लॉ इज सेटिस्फाइड। और फर्स्ट लॉ हमें ये बताते हैं कि व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, इधर द बॉडी विल बी एट रेस्ट आर विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो याद रखिए, इस केस में अगर एक्सेलरेशन ऑफ द इलिवेटर जीरो है, इसका मतलब है नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द इलिवेटर, क्लियर? तो नीडल कहां पर होगी? जीरो पर। नीडल विल बी एट जीरो। इस केस में इफ द रियल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, द अपेरेंट वेट यानी टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड। तो इस केस में देखिए, नेट फोर्स कैन बी रिटन एज नेट फोर्स इज टेंशन माइनस डब्ल्यू, टी माइनस डब्ल्यू, क्लियर? टी इज अपवर्ड, डब्ल्यू इज डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स टी माइनस डब्ल्यू होगा। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर वन। लेकिन आपको पता है इस केस में नेट फोर्स क्या है? जीरो।
क्यों जीरो है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स इज जीरो। अब अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो इसी वजह से टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। व्हाट इज टी? व्हाट इज टेंशन? अपेरेंट वेट। शाबाश, वेरी गुड। सो दिस अपेरेंट वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू डैश एंड डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो प्लीज रिमेंबर, अगर एलिवेटर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे आ रहा है, इन तीनों केसेस में द अपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर। याद रखिए, अपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर। मसलन अगर आप यहाँ पर किसी बॉडी को अटैच करें, लोकेट ये चीज़ इधर ले आते हैं, अगर आप यहाँ पर बॉडी अटैच करें तो नीडल किधर आ जाएगी? लेट सपोज 20 की तरफ। व्हाट इज टी? 20 न्यूटन। व्हाट इज द रियल वेट? 20 न्यूटन। तो याद रखिए, इस केस में रियल वेट और अपेरेंट वेट आपस में बराबर है। क्लियर? शाबाश। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी केस नंबर टू। ये भी सॉल्व, वो भी सॉल्व। अच्छा देखिए, नंबर टू, व्हेन द एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब है लेफ्ट। व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए, अगर ये एलिवेटर एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, अगर आप इसे ऊपर, देखिए आप इसे ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप जब एलिवेटर में जाते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, जब लिफ्ट रेस्ट से स्टार्ट लेकर ऊपर जाते, देखिए जब वो ऊपर मूव शुरू कर देता है तो आपको अपना जो जिस्म है, जो बॉडी है, वो हैवी हैवी महसूस होती है। हैवी, तो हैवी का क्या मतलब है कि आपकी रियल वेट के साथ सूडो फोर्स ऐड हो जाता है। क्लियर? जब आप इसे ऊपर एक्सेलरेट करें तो याद रखिए, एक्सेलरेशन का मतलब है कि नेट फोर्स ऊपर होगा तो सूडो फोर्स नीचे होगा, और जब सूडो फोर्स नीचे इस रियल के साथ ऐड हो जाता है तो प्लीज रिमेंबर, सपोज वी आर गेटिंग द नीडल टू बी एट 25 न्यूटन। अब अगर नीडल 25 न्यूटन पर है तो अपेरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दिस इज़ वेरी सिंपल है, हमें पता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर वन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ नेट फोर्स अब जीरो नहीं है, बिकॉज द सिस्टम इज एक्सेलरेटेड, द स्प्रिंग में सिस्टम इज एक्सेलरेटेड। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन द नेट फोर्स इज एम ए, इज इट? कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, सो टी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब है टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। व्हाट इज टी? अपेरेंट वेट, डब्ल्यू डैश। सो दिस इज डब्ल्यू प्लस एम ए, ठीक है। तो याद रखिए, जब आप किसी सिस्टम को, स्प्रिंग में सिस्टम को, एलिवेटर को ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं, सो द अपेरेंट वेट विल बी द रियल वेट प्लस द नेट फोर्स। अब आप मुझे ये बताएं, ये रियल फोर्स है, सॉरी रियल वेट है, ये नेट फोर्स है, तो आप मुझे ये बताएं इस केस में ये डब्ल्यू डैश डब्ल्यू से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। सो डब्ल्यू डैश इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। फॉर एग्जाम्पल है, हमारे पास रियल वेट है 20 न्यूटन और यहां पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी 5 न्यूटन, सो तब यू विल गेट 25।
इसका मतलब है 25 इज ग्रेटर देन 20। सही है। तो याद रखिए, जब आप किसी सिस्टम को ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा होगा। आप लोग जब जहाज में जाते हैं, ठीक है, जहाज में जब आप जाते हैं और जहाज ऊपर टेक ऑफ करता है, एक्सेलरेट हो जाता है, तो याद रखिए यू विल फील योर बॉडी हेवियर देन योर नॉर्मल वेट। देखिए, आपको अपना जिस्म हेवी हेवी महसूस हो जाता होता है, तो हेवी महसूस का मतलब है कि योर अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन द रियल वेट। आपका अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा होता है, ठीक है। शाबाश। अब केस नंबर 3, व्हेन द एलिवेटर मूव्स द मेटल क्रश। नंबर 3, व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। अगर एलिवेटर आप नीचे एक्सेलरेट कर रहे हैं, सही है, ए, अब ये एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है, अगर आप इसे नीचे एक्सेलरेट कर रहे हैं तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। व्हाट विल बी द सूडो फोर्स? अपवर्ड। तो सूडो फोर्स रियल वेट को अपोज कर रहा है, तो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो अपेरेंट वेट विल बी लेस देन द रियल वेट। ए, इस केस में इस तरह होगा, देखें, यानी इस केस में ये जो नीडल है ये ऊपर जाएगी एंड इट विल शो सपोज 50 न्यूटन। तो लुक इट, इन दिस केस द नेट फोर्सेस टी माइनस डब्ल्यू, बल्कि सॉरी, यहां पर आप देखिए इसे नीचे ला रहे हैं ना, तो द नेट फोर्स विल बी डब्ल्यू माइनस टी। देखिए ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो डब्ल्यू टी से ज्यादा है, क्लियर? अच्छा देखिए, नेट फोर्स इज डब्ल्यू माइनस टी। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स इज एम ए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो तो डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब है माइनस टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस एम ए। दोनों साइड्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। What is T? Apparent weight. So apparent weight is W minus ma. अब आप मुझे ये बताएं, ये equation हमें क्या बता रही है? Equation हमें बता रही है कि apparent weight is less than the real weight. For example, real weight अगर 20 न्यूटन है, net forces है वो 5 minus करो तो ये आ जाएगा 15. तो आप लोग देखिए 15 न्यूटन इज लेस देन 20 न्यूटन, तो इस केस में अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से कम होगा, क्लियर? और नंबर 4 है, शाबाश। हेड एंड प्रेयर नंबर फोर है कि व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड फ्रीली, मूव्स डाउनवर्ड फ्रीली, ठीक है, तो फ्रीली का क्या मतलब है? ए इज इक्वल टू जी। याद रखिए फ्री फॉल मोशन का मतलब है कि ए इज इक्वल टू जी। फ्री फॉल मोशन मीन्स ए इज इक्वल टू जी। शाबाश। ए, जब आप एलिवेटर को नीचे एक्सेलरेट कर रहे हैं
तो हमने पढ़ा W डैश बराबर है W माइनस MA। क्लियर? शाबाश। इज इट क्लियर? अगर नीचे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो W डैश बराबर है W माइनस MA। लेकिन देखिए फ्री फॉल मोशन का मतलब है A इज इक्वल टू जी। When A is equal to G, आप इसे इधर पुट करें तो W डैश बराबर होगा W माइनस MG। आप ऐसा करें, W का क्या मतलब है? रियल वेट। रियल वेट इज ऑलवेज MG। तो या तो W की जगह MG लिखो या MG की जगह W लिखो, doesn't matter। So we can say W डैश इज इक्वल टू, दिस इज सपोज MG एंड दिस इज ऑल्सो MG, दे आर गॉन एंड देयर फोर W डैश इज इक्वल टू जीरो। तो याद रखिए इन दिस केस द अपेरेंट वेट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है? इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि तमाम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का अपेरेंट वेट क्या होगा? जीरो। अब अगर आप जहाज में जा रहे हैं और अल्लाह ना करे फौरन जहाज की जो इंजन है वो स्टॉप करती है, तो व्हाट विल हैपन? द प्लेन विल बी फ्री अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है? द प्लेन विल बी फ्रीली कमिंग डाउनवर्ड। तो प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं, तो इनका अपेरेंट वेट क्या होगा? जीरो, बिकॉज नो फोर्स इज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फॉलिंग। तो याद रखिए अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर भी पॉसिबल है, MCQ नंबर वन। अपेरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा भी पॉसिबल है, MCQ नंबर टू। अपेरेंट वेट रियल वेट से कम भी पॉसिबल है, MCQ नंबर थ्री। और अपेरेंट वेट जीरो भी पॉसिबल है, जबकि रियल वेट ट्रू वेट कभी भी जीरो, क्योंकि ट्रू वेट का मतलब है द बॉडी मस्ट बी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर बॉडी लाई करती है उसका ट्रू वेट रियल वेट जो है वो जीरो पॉसिबल नहीं है। इज इट? अच्छा देखो, ए आपने वो फ्लाइंग बोट देखा होगा, फ्लाइंग बोट। ठीक है? तातारा पार्क में इधर है, क्लिफ्टन में है, मुख्तलिफ पार्कों में वो फ्लाइंग बोट सार दिया। उसमें अगर आपने कभी मूव किया है तो देखिए जब वो बोट ऊपर जाती है तो आप देखिए लोग कुछ भी नहीं कहते, इज इट? क्योंकि उनका अपेरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा। लेकिन जब वो इस तरह नीचे आ जाते हैं, जब बोट नीचे आ जाती है तो अपेरेंट वेट रियल वेट से कम हो जाते हैं, तो लोगों को अपना जिस्म हल्का हल्का महसूस होता है। तो वो ऐसे फील करते हैं कि बोट नीचे चली गई और हम रह जाते हैं। ठीक है? इसी वजह से हर एक बंदा जो है वो सीट के साथ अपने आप को टाइट रखने की कोशिश करता है और उन्हें डर लगता है। तो आपने देखा होगा अक्सर वो चीखते हैं, वो शोर मचाते हैं। जब वो बोट ऊपर जाती है तो कुछ नहीं होता, जब नीचे आ जाती है तो इनका वो जो ऑक्यूपेंट से इनका अपेरेंट वेट रियल वेट से कम हो जाता है। अब अगर उस बोट की जो रस्सियाँ हैं, जो केबल्स हैं, सपोज अगर वो टूट जाती है तो व्हाट विल हैपन? द अपेरेंट वेट विल बी जीरो। ठीक है ना? और आपने अगर सही ऑब्जर्व किया है, कभी कभार इस तरह होता है कि उधर लोग चले जाते हैं और समोसे और बर्गर और फलाँ और फलाँ ये चीज़ें खा लेते हैं और फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पी लेते हैं। ठीक है? तो व्हाट हैपन्स? ए जब वो इस तरह दो तीन दफ़ा इस तरह मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो जब ऊपर जाते हैं तो कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे आ जाते हैं तो इनका अपेरेंट वेट रियल वेट से कम होता है। सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? अपवर्ड। तो इन्होंने जो कुछ भी खाया हुआ होता है उन पर जो सूडो फोर्स है वो ऊपर की तरफ होता है। अच्छे से खुले खुले राजी खराब ऐसा। तो इसी वजह से अपेरेंट वेट जो है इट कैन बी इक्वल टू द रियल वेट, ग्रेटर, स्मॉलर एंड जीरो। इज इट? एंड रिमेंबर दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, दिस इज इम्पोर्टेंट। एनी क्वेश्चन? शाबाश। इससे रिलेटेड MCQs भी अक्सर आते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।